yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need. So kya hal bhai log? इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं गया हुआ था विजयनगर KTM, जहाँ पे मुझे अपनी बाइक के लिए चेन स्पॉकेट पता करना था, लेकिन उस दिन मैं लेट पहुँचा था तो काम हुआ नहीं। और आज भी मैं लेट हूँ आज, क्योंकि आप लोग देख सकते हो पानी गिरा है इंदौर में, बारिश का मौसम बना हुआ है भाई। और अभी व्लॉग स्टार्ट करते करते फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो अभी मैं फिर से जा रहा हूँ विजयनगर KTM अपनी बाइक का चेन स्पॉकेट लेने और उसको डलवाने के लिए भी। तो मुझे बुलाया गया था लगभग 10:30 पे, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन कट किया उसके बाद बारिश होना शुरू हो गई। और अभी थोड़ा देर पहले ही बारिश रुकी है और अब मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ तो वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने सोचा क्यों ना माहौल के मज़े लिए जाए, बाहर निकला जाए, शायद अपना काम भी हो जाए। तो बस थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगा। तो आज अपनी बाइक पे करवाते हैं फाइनली चेन स्पॉकेट का काम। काफ़ी दिन से काम भैया टाला जा रहा था और उसके बाद बाइक भी चलने में थोड़ा मज़ेदार लगेगी। अभी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो भैया ये पहुंच गए अपन विजयनगर KTM एक बार फिर से, और यहाँ पे चल के करते हैं बात। भाई गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हैं यार सर्विसिंग के लिए। भाई आज काम हो जाना चाहिए, भगवान आज कोई नई कहानी ना बन जाए। चलो पूछते हैं। ओ भाई कितनी बाइक खड़ी हैं यार। हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक। तो भैया अभी लंच टाइम चल रहा है और उसके बाद ही अपना काम होगा। फाइनली अपनी बाइक आ गई है, चेन स्पॉकेट भी है इसका और अभी काम अपना स्टार्ट भी हो जाएगा। तो एक बार काम स्टार्ट हो जाए पूछते हैं कितना टाइम लगेगा इस पर। और गाड़ी को अभी जाने देते हैं अंदर। मुझे थोड़ा सा डर लग गया था यहाँ पर इतनी सारी बाइक देख के कि भाई आज भी मुझे लगता है काम नहीं हो पाएगा गाड़ी पर, लेकिन फाइनली काम स्टार्ट हो जाएगा। भाई कहीं भी सर्विसिंग में आओ ना, एक प्रॉब्लम होती है कि आपको वीडियो बनाने नहीं देते हैं। मैं अपनी किया की सर्विस कराने भी जब जाता था जबलपुर, तो वहाँ पे भी सेम सीन था और यहाँ पे भी वही कहानी है। मैं अभी अपने GoPro से रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उन्होंने बोल दिया भैया ने कि भैया आप अंदर का वीडियो नहीं बना सकते हो। कोई बात नहीं, एक बार अपनी गाड़ी का काम हो जाए, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि कितना टाइम लगा और कितना इस पर खर्चा आया है। तो भाई अंदर वीडियो करना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं चीज़ें बाहर ला ला के दिखा रहा हूँ और मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। गाड़ी में काम हो तो रहा है लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अभी अपने प्रोडक्ट आ गए हैं जो कि गाड़ी में लगने हैं और ये अलग अलग पार्ट हैं। 270 रुपीज़ का एक ये पार्ट, ये देखो 270 रुपीज़ का पार्ट है। ये भी चेन स्पॉकेट का ही एक हिस्सा है और इसमें थी चेन जो कि निकाल ली गई है। और इसका प्राइस देखो यहाँ क्या पड़ा है, 1795। ये दिख रहा है, इसमें चेन थी। ड्यूक के लिए भी यही लगती है और अपनी हस्क्वर्ना के लिए भी यही लगती है। और ये है मेन चेन स्पॉकेट जो कि इसमें है, इसका प्राइस पड़ा है 922 रुपये। तो ये जो सारे बॉक्स हैं इन पे मैं पुराना वाला चेन और चेन स्पॉकेट वापस लेकर जाऊंगा, उसके साथ कुछ क्रिएटिव करेंगे। भाई अपनी बाइक का पार्ट और महंगा पार्ट है तो मैं उसको यहाँ तो नहीं छोड़ूंगा। तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगा गाड़ी में, 1:30 बजे आया था मैं और 3 बजे हैं, अपनी गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया है। और ये भैया हैं जिनने गाड़ी में काम किया है। तो अभी जा रहा हूँ मैं एक बार गाड़ी चेक करके देखता हूँ कि भाई क्या
इसमें कुछ बदला है चेन स्पॉकेट के बाद। एक नंबर बाबा, चेन ढीली होने की वजह से भी ना गाड़ी मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खिंच नहीं रही थी और बहुत अजीब सी चल रही थी बाइक यार। मुझे तो ऐसा फील भी अजीब सा होने लगा था कि क्या हो गया है मेरी गाड़ी को, ऐसी खड़खड़ खड़खड़ हो रही है, भाग भी नहीं रही है। लेकिन इतने में ही समझ में आ गया भाई गाड़ी खिंचने लगी अपनी। एक नंबर बाबा, मज़ा आ गया। और आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आ रही अब चेन से। अब अपनी बाइक एक नंबर चल रही है और जो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही थी ना वो भी बंद हो गई है। और एक दिक्कत हो रही थी वो ये कि लोग मेरी गाड़ी को पलट पलट के देख रहे थे, तब मुझे ये फील होने लगा था कि भाई ये मेरी बाइक को नहीं देख रहे हैं, मेरी बाइक से जो आवाज़ आ रही है ना उसकी वजह से देख रहे हैं कि कौन सी बाइक है जो इतना ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो भाई अब चलने में एक नंबर हो गई है गाड़ी और चेन स्पॉकेट इसका नया डल चुका है। लगभग आपको खर्चा भी बता देता हूँ मैं, यहाँ देखो 3340 रुपए लगे हैं अपने चेन स्पॉकेट के काम में। और यहाँ सर्विसिंग में आओगे आप विजयनगर में तो भैया मिलेंगे। भैया आपका नाम? योगेंद्र चावला। तो ये भैया मिलेंगे यहाँ पे सर्विसिंग में। और भैया ने ही पहले मुझे मना कर दिया था कि वीडियो यहाँ शूट नहीं कर सकते हो। खैर उनका भैया का खुद का वो नहीं है, इनके सीनियर्स हैं, उनने मना किया था। लेकिन अभी हमारी भैया से बात हो रही थी तब समझ में आया कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं करने देते। तो बहुत अच्छा बिहेवियर है, आपको गाड़ी का सर्विसिंग का जो भी काम कराना हो आप यहाँ आ सकते हो और यहाँ वेटिंग रूम में आप बैठ के वेट कर सकते हो, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग होते हुए भी देख सकते हो। तो ऐसा कुछ सीन है। अभी थोड़ा देर का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, भैया से कर रहा हूँ कुछ बातें और फिर यहाँ से जब निकलेंगे तब आप लोगों से बाकी की बातें करेंगे। चलो भैया, अपनी गाड़ी का काम हो गया है फाइनली। इंस्टा 360 भी लगा लिया, इससे भी शॉट ले रहे हैं क्योंकि ये नया माउंट मैंने अभी लगाया है इस पर, यहीं से फिट करा लिया। और ये वाला अभी निकाल लिया जाएगा और इसको घर पर चल के लगाते हैं वापस से पीछे। बारिश हो रही है, मौसम एक नंबर हो रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा 360 के शॉट भी लिए जाएं। गाड़ी का काम हो गया है और भाई सच में चेन स्पॉकेट बदलने के बाद ना ऐसा लग रहा है गाड़ी में एक अलग से पावर आ गई हो। मज़ा आ रहा चलाने में, गाड़ी एकदम नई सी लग रही है। और ये वाला माउंट बहुत ज़्यादा हिल रहा है यार, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसको। इसकी फुटेज आप लोग देख के बताना कि आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है वीडियो देख के कि इंस्टा 360 बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है या हिल रहा है, तो इसको चेंज कर देंगे। और अगर सब कुछ सही रहा तो इसको यहीं रहने देंगे और दूसरा जो माउंट बगल में लगा है इसको निकाल के लगा लेंगे अपन बैक साइड पे। भाई कसम से गाड़ी ना अब खींचने में मज़ा आ रहा है, अभी तक ऐसा लग रहा था कि मेरी गाड़ी बूढ़ी हो चुकी है। भगाता था भाई, गाड़ी भगती नहीं थी चाहे किसी भी गियर में खींच लो, और आवाज़ इतनी करती थी कि पूछो मत। अब हो गई है गाड़ी सही, उड़ रही है गाड़ी अब अपनी। तो अभी मैंने सर्विसिंग नहीं कराई है, सिर्फ चेन स्पॉकेट चेंज कराया है। सर्विसिंग अब गाड़ी की तब होगी जब ये 15,000-15,500 चल जाएगी या फिर कोई राइड प्लान हो जाए अभी जल्दी। तो भैया फाइनली बाइक अपनी आ गई अंदर, ये माउंट यहाँ पे लग गया और दूसरा माउंट यहाँ लगा हुआ है। कैमरा भी निकाल लेते हैं और इसकी टेस्टिंग करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि अभी बाहर हो रही है बारिश। तो भाई ये जो पार्ट्स उसके निकले हैं ये मैं लेकर आ गया हूँ घर, भी टाइम मिला तो इसका कुछ अच्छा सा बनाएंगे। और ऐसा कुछ था आज का वीडियो। भाई गाड़ी एक नंबर चल रही है, सच में मज़ा आ गया और ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ, 3,500 में निपट गए। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।